तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रदेश में संचालित गौठानों का मामला भी उठाया और इसे अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए विधानसभा की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की। उन्होंने पूछा कि 2019 से अब तक कितने गौठान स्वीकृत किए गए, इनमें से कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे हैं। इस पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि 10,336 गौठान स्वीकृत किए गए। ये गौठान से जुड़ा हुआ मामला है, गोबर खरीदी से जुड़ा हुआ मामला है और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमने माननीय मंत्री जी से पूछना चाहा कि भाई 229 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है, यह राशि कहां पर रखी है? ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज बना है क्या छत्तीसगढ़ में जिसमें गोबर रखा जा सके? इसमें नहीं है। 10,336 गौठान स्वीकृत किए गए और 10,240 गौठान पूर्ण कर लिए गए हैं। गोबर खरीदा है माननीय अध्यक्ष महोदय 19 में भी, 20 में भी, 21, 22, 23, वर्तमान 23 तक का 1,23,19,845 क्विंटल गोबर की खरीदी।